आज पहला दिन था कांग्रेस विधायक दल की बैठक आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी की अध्यक्षता में और प्रदेश अध्यक्ष जी श्री मोहन मरकाम जी की उपस्थिति में हुआ। सभी विधायक मौजूद थे। सभी विधायक उत्तर प्रदेश उत्तराखंड जैसे चुनाव से थके हुए आए हैं। लगातार विधानसभा सत्र में रहने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 3-4-5 प्रमुख बातों को उनको कहा है। सबसे पहले सबकी उपस्थिति हमारे माननीय सदस्यों को उन्होंने उम्मीद की। तीसरा, सरकार के इतने सारे कार्यक्रम हैं उसको लेकर के अभी जो विभिन्न विभागों की चर्चाएं होंगी उसमें माननीय सदस्य भाग लें। चौथा, प्रतिपक्ष के द्वारा जो लगातार एक प्रयास करने की कोशिश की जा रही है कि सदन में सरकार को घेरेंगे, सरकार के खिलाफ माहौल बनाएंगे, तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अपने संबोधन में स्पष्ट किया हमारे इतने कार्यक्रम है, क्षेत्र में भी मजबूती से हम लोगों को अब आने वाले समय में तैयारी करने की ज़रूरत है। सारे विधायक अपने अपने क्षेत्र में यूँ भी सक्रिय है। सरकार की विभिन्न जो योजनाएं हैं, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी खेतिहर मजदूर न्याय योजना, राजीव युवा अनुदान क्लब जैसी योजना, इन सबको लेकर के हमको आने वाले समय में कांग्रेस को और मजबूती की कोई डिमांड रखी गई क्या विधायकों को? अब वो तो सामान्य प्रक्रिया है, विधायक दल की बैठक जा रहे हैं। हमारे विधायक दल की बैठक में भी माननीय विधायकों ने आने वाले समय में कुछ सैलरी जैसी चीज़ों के लिए, विधायक निधि जैसी चीज़ों के लिए अपनी बात कही है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है जैसी परंपरा है कि वर्ष के आखिरी पूरे जो सदन का कार्यकाल होता है उसके आखिरी में इस प्रकार के आवास भी दे सकते हैं, आवास है जमीन, वो तो ऑलरेडी सरकार का आदेश है, पिछली सरकार के समय से चला आ रहा है। बात हुई है कार्य मंत्रणा समिति में भी बात हुई है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि जितना विपक्ष चर्चा करना चाहे हम तैयार हैं, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी इसमें निर्णय ले लेंगे चर्चा करने के उपरांत। लेकिन ये हुआ है कि पहले जो बजट सत्र हुआ करता था 24 सिटिंग से लेकर 28 सिटिंग तक के बजट सत्र होते थे, उसमें कार्य का मैक्सिमम जो टाइम है वो 115 घंटे का।